इसके पूरे मसले के पीछे है कि हमारे नगर अध्यक्ष कल तक थे, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा किया, महापौर का टिकट दिया, महापौर बनाया हम सबने। आज उन्होंने पार्टी के साथ जो धोखा किया है ये उसका एक प्रतिकार है कि आपके अस्तित्व से कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। आज हमने कांग्रेस परिवार से आपको छोड़ देने के बाद आपके अस्तित्व को नकार दिया है और नर्मदा में विसर्जित कर दिया है। ये तर्पण का एक सांकेतिक तर्पण है, जैसा कि सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति का तर्पण नहीं होता है, पर ये हमने उन्हें जलांजलि दे दी कि अब आप हमारे कांग्रेस की विचारधारा से तिरोहित हो गए। ये एक अति महत्वाकांक्षा है, जैसा कि राजनीतिक उनका कैरियर रहा है, कभी किसी के साथ वो स्थिर रूप से रहे नहीं, कभी कांग्रेस की विचारधारा के बढ़ाने का कोई काम किया नहीं, कभी भी कांग्रेस के किसी महापुरुष के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रहा, हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक के चित्रों का कभी इन्होंने उपयोग नहीं किया, किसी बैठक में कभी भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के तक का उल्लेख नहीं किया गया है। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने संतुलन की राजनीति की, चूँकि इनका बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से RSS से जुड़ा रहा है, हमेशा से उससे संचालित रहे हैं, पर कांग्रेस में सक्रिय रूप से हमारे बड़े नेताओं ने इनको मौका दिया, इन पर भरोसा किया, आज इन्होंने धोखा दिया है। ये हमारे बड़े नेताओं के साथ भी इन्होंने छल किया और जिन्होंने इस पर भरोसा किया है आज उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हम कांग्रेस में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले अगर नहीं हो तो EBI CBI और इसकी जरूरत क्या डरने की। अगर आप पाक साफ हैं तो महापौर हैं, ठोक के राजनीति करें। अगर नगर विकास नहीं हो रहा तो हम आपके साथ हैं, आप आंदोलन करें। हमने उन्हें जलांजलि दी है और मान लिया है कि आपका अस्तित्व हमारे लिए नहीं रहा। जी, इसके पूरे मसले के पीछे है कि हमारे नगर अध्यक्ष कल तक थे, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा किया, महापौर का टिकट दिया, महापौर बनाया हम सबने। आज ये तो एक राजनीतिक मामला है और एक सांकेतिक रूप से रहता है कि हमने किसी का श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, मतलब उनको त्याग दिया, तो उसी को लेके शायद उन्होंने जो किया है, क्योंकि इन्होंने भी काफी समय तक उनके साथ थे, उनके साथ दिया चुनाव में से लेके पार्षद से लेके महापौर तक, तो आज वो व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया है और उनको छोड़ के, तो स्वाभाविक है लोगों को आक्रोश रहता है। उस आक्रोश के तहत जो उन्होंने किया वो एक राजनीतिक रूप से, उनको सांकेतिक रूप से अपन बोलते हैं, इनका तर्पण कर दिया, इनको त्याग दिया। जीवित आदमी का ऐसे होता है कि जो व्यक्ति है मान ली जीवित और उसको लगता है कि हमारे मरने के बाद या हमारे न रहने के बाद हमारा कोई करने वाला नहीं है, तो वो अपनी आत्म की संतुष्टि के लिए जीवित अवस्था में अपना तर्पण श्राद्ध खुद का कर सकता है। अभिषेक मिश्रा, नर्मदा तीर्थ पुरोहित। ये तो एक राजनीतिक मामला है और एक सांकेतिक रूप से रहता है कि हमने किसी का श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, मतलब उनको त्याग दिया, तो उसी को लेके शायद उन्होंने जो किया है, क्योंकि इन्होंने भी काफी समय तक उनके साथ थे, उनके साथ दिया चुनाव में से लेके पार्षद से लेके महापौर तक, तो आज वो व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया है और उनको छोड़ के, तो स्वाभाविक है लोगों को आक्रोश रहता है। उस आक्रोश के तहत जो उन्होंने किया वो एक राजनीतिक रूप से, उनको सांकेतिक रूप से अपन बोलते हैं, इनका तर्पण कर दिया, इनको त्याग दिया। जीवित आदमी का ऐसे होता है कि जो व्यक्ति है मान ली जीवित और उसको लगता है कि हमारे मरने के बाद या हमारे न रहने के बाद हमारा कोई करने वाला नहीं है, तो वो अपनी आत्म की संतुष्टि के लिए जीवित अवस्था में अपना तर्पण श्राद्ध खुद का कर सकता है। अभिषेक मिश्रा, नर्मदा तीर्थ पुरोहित। ये तो एक राजनीतिक मामला है और एक सांकेतिक रूप से रहता है कि हमने किसी का श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, मतलब उनको त्याग दिया, तो उसी को लेके शायद उन्होंने जो किया है, क्योंकि इन्होंने भी काफी समय तक उनके साथ थे, उनके साथ दिया चुनाव में से लेके पार्षद से लेके महापौर तक, तो आज वो व्यक्ति दूसरे